अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी प्रेस कर दो, सो मैं जब जब वीडियो अपलोड करूंगा आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज मैं बताने वाला ह्यूंडई वर्ना डीजल है, इसका जो क्लच है क्लच सिलेंडर अंदर बैठ गया है। तो क्या रीजन से अंदर बैठ गया है मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका जो क्लच ब्रेक ऑयल है ब्रेक ऑयल का लेवल भी कम हो गया है। तो इसमें कैसा हुआ रहेगा आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आपको बताया मैंने इसका जो क्लच है क्लच अच्छे से ऑपरेट नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हैं जो इसका क्लच का पैरल है, मैं जब प्रेस कर रहा हूँ तो अंदर चले जा रहा है। सो मेरे को डायग्नोस करने मालूम पड़ा जो इसका क्लच का सिलेंडर है सिलेंडर फेल हो चुका है, जो इसका क्लच मास्टर सिलेंडर और क्लच स्लेव सिलेंडर। सो मैं अभी इसको सर रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे हालत में तो गियर तो जाने वाला है नहीं, और स्टक बहुत हो रहा था गियर, और उसका परफॉर्मेंस भी थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था। तो इसके लिए मैं खोलने वाला हूँ इसका जो मास्टर सिलेंडर और स्लेव सिलेंडर क्लच के। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये इसका क्लच का पैरल है। जब ये पैरल अंदर फंसता तो वापस रिटर्न अपने पोजीशन में आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा है। ये पोर्शन में इसका जो क्लच का मास्टर सिलेंडर है वो लगता है। सो इसके लिए पाइप दिया हुआ है, सो मैं पाइप बाहर निकालूंगा। आप देख सकते हैं हल्का हल्का लीकेज हो रहा है यहाँ से। सो इसको जस्ट लॉक दिया हुआ है, लॉक को कटाने के बाद ये निकल जाता है, और उसके बाद हमें ये पाइप दिया हुआ है, ये पाइप भी खोल के लेना होता है, क्योंकि ये जो ब्रेक ऑयल का टैंक है वहाँ से ही सप्लाई आता है इसके क्लच सिलेंडर को। सो ये दोनों ये भी खोल के लेना होगा मुझे। सो फ्रेंड्स, आपको बता मैंने बाहर से इसका पाइप खोला हूँ, और मुझे अंदर से इसका क्वार्टर पिन है, ये क्वार्टर पिन खोल के लेना होगा। ये 12 mm के दो नट दिए हुए, ये नट है और ये ऊपर वाला एक नट है। सो उसको मुझे खोल के लेना पड़ेगा। सो इसका जो हमारा मास्टर सिलेंडर है क्लच का वो खुल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका जो क्लिप है क्लिप निकाल दिया हो, आप देख सकते हैं। सो अभी 12 mm का ये बोल्ट है और सॉरी नट है, यह अभी मुझे खोलना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका नट दिया हुआ है दो नट पे, अभी ऊपर वाला भी खोलना होगा मुझे। सो फ्रेंड्स, ये ऊपर वाला भी एक नट दिया हुआ है इसमें। अंदर के सब फिटिंग खोलने के बाद यहाँ बाहर का तो हम लोग ने खोल दिया था, तो जस्ट अभी इजीली इसको बाहर खींचना होता है। ये देखो फ्रेंड्स, ये इसका जूना वाला। सो फ्रेंड्स, आपको बताया मैंने इसका क्लच सिलेंडर क्लच का पैरल है जो अंदर बैठ गया है वो रिटर्न आ नहीं रहा है। सो मैं डायग्नोस किया, इसमें को मालूम पड़ा इसका क्लच सिलेंडर है ना फेल हो गया। सो मैं इसके लिए इसका दोनों क्लच सिलेंडर डाल रहा हूँ, इसका क्लच मास्टर सिलेंडर है और क्लच स्लेव सिलेंडर भी डालने वाला हूँ इसका मैं। आप देख सकती है ओरिजिनल में लेके आया हूँ।
आप देख सकते हैं एकदम जेन्यून पार्ट है ये। तो अभी इसके लिए क्या प्रोसीजर है आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। ये इसका स्लेव सिलेंडर है क्लच का, तो ये भी मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। कि आपको बताया था पैडल में जरा भी प्रेशर नहीं आ रहा है, तो ये रीजन से ये भी डाल के लेने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका क्लच का स्लेव सिलेंडर है। सो कभी ऐसा क्लच का प्रॉब्लम आता है तो हमें ये दोनों सिलेंडर डाल के लेना होता है, ये दोनों। क्योंकि अगर एक डाले और एक नहीं डाले प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये इसमें 6 फीट गेयर है, तो इसमें जो क्लच का जो स्मूथनेस मांगता है ना बहुत अच्छा तरीके से मांगता है, वरना गेयर स्टक होने का प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हम ये दोनों जेन्युइन पार्ट डाल रहे हैं। सो फ्रेंड्स ये नया वाला क्लच मास्टर सिलेंडर लगाने जा रहा हूँ मैं। जिस तरह निकाले थे वही सेम प्रोसीजर होता लगाने का भी। ये इसका क्लच का स्लेव सिलेंडर है, 11 mm का पाइप दिया हुआ है, ये खोल के लेना होगा मुझे। और इसके जो 12 नंबर के दो बोल्ट है वो भी खोल के लेने होंगे। ये खोलने के लिए मैं सबसे पहले इसका इंटरकूलर का पाइप खोल दूंगा। तो ये पाइप इसके बीच में आ रहा है सिलेंडर के बीच में, सो मेरे को अड़चन दे रहा है, सो इसके लिए ये खोल दूंगा। हाथ नहीं जाता। अभी पाइप खोल लिया हूं मैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा जूना वाला है, ये हमारा नया वाला है। सो अभी मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ईजी है, कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, सिर्फ दो बोल्ट है और ये इधर पाइप लगता है बस, और कुछ नहीं है। पंप कर, पंप करो। हाँ पंप। हाँ दबा। हाँ पंप कर, पंप कर, पंप कर। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं पंप कर रहा हूँ, अब जब इसका निप्पल खोल रहा हूँ, निप्पल खोलने पे ब्लीडिंग हो रहा है। हाँ दबा। हाँ पंप कर। हाँ दबा। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसको निप्पल दिया हुआ है, जब मैं निप्पल खोलता हूँ तो अंदर का जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीड होकर जो एयर होता है एयर बाहर निकल जाता है। हाँ बस कर, हो गया। आपको बता मैंने इसका क्लच मास्टर सिलेंडर और क्लच स्लेव सिलेंडर कैसा रिप्लेस करने का, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसा ब्लीडिंग करते हैं। सो आपको मालूम रहेगा पहले इसका जो क्लच पैडल है वो पंप वापस रिटर्न नहीं आ रहा था, अभी आप देख सकते हैं पैडल रिटर्न आ रहा है। ये देखो फ्रेंड्स पैडल रिटर्न आ रहा है, मतलब जो अपना प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। और पहले गेयर भी नहीं जा रहा था फ्रेंड्स, अभी गेयर भी जा रहा है स्मूथली। आप देख सकते हैं पहला दूसरा, पहले क्या गेयर जाते समय नॉइज ज्यादा कर रहा था, पर अभी सब हो गया। देखो ये रिवर्स डाल दिया हमें, रिवर्स कैमरा चालू हो गया। पहले रिवर्स गेयर में तो बहुत ज्यादा ही आवाज आ रहा था, बट अभी एकदम सब परफेक्ट हो गया। जब तक प्रेशर आएगा नहीं तो क्लच क्या एंगेज और डिसएंगेज होगा नहीं। सो ये रीजन से मैंने क्लच मास्टर सिलेंडर स्लेव सिलेंडर बदल दिया,
आप देख लिए थे कि इसका पैडल एकदम सॉफ्ट हो गया था, मीन्स प्रेशर ही नहीं था पैडल में।